दोस्तों, आपका गोपाला जी का नमन। मंत्र यंत्र तंत्र जप है, तप है, अनुष्ठान है, कितनी क्लिष्ट प्रक्रिया है अगर इस में जाता है व्यक्ति, सोचा है कभी आपने? और अगर इसका विधि विधान से किया जाए पूजा पाठ अनुष्ठान और शास्त्रोक्त विधियां अपनाई जाएं, तो कितना क्लिष्ट है, कितना कठिन है, कहां तक अपनाएगा, क्या अपनाएगा, क्या छोड़ेगा, एक दो दिन नहीं, वर्षों नहीं, मैं समझता हूं कितना समय लग जाएगा कोई अंदाज नहीं। कि पहले तो समझे व्यक्ति, क्योंकि इतने सारे देवी देवता, हर देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए उनके अलग अलग क्रम उपक्रम, हर देवी देवता का एक विधान, उसकी अगर पूजा कर रहे हैं, उसका अनुष्ठान कर रहे हैं, उसके लिए दिशा चुनेंगे, उसके लिए समय चुनेंगे, उसके लिए आसन चुनेंगे, उसके लिए पुष्प चुनेंगे, उसके लिए तिलक चुनेंगे, उसके लिए माला चुनेंगे, फिर तिलक में भी बीसियों विधान, चंदन का तिलक करेंगे, अष्टगंध का तिलक करेंगे, किसी हर्ब का तिलक करेंगे, किस चीज का तिलक करेंगे, फिर पुष्प में जाते हैं, हर देवी देवता को अलग अलग पुष्प पसंद है, किसी को कमल पसंद है, किसी को जूही पसंद है, किसी को कदम पसंद है, किसी को बेल पसंद है, किसी को खेवड़ा पसंद है, किसी को गुलाब पसंद है, किसी को जूही पसंद है, किसी को चंपा पसंद है, किसी को चमेली पसंद है। तो कैसे कैसे पता चलेंगे, कैसे देखेंगे कि भैया उस देवी देवता के लिए निमित्त ये चीज लानी ही लानी है। फिर आसन की बात आती है, आपको पता है हर देवी देवता का अलग आसन है, बांस का आसन है, भूमि का आसन है, पत्तों का आसन है, ऊनी आसन है, वस्त्र का आसन है, चटाई का आसन है, कुश का आसन है, फिर रंगों का क्रम है, लाल रंग ले, पीला रंग ले, काला रंग ले, कितना कितना विधान, आदमी का दिमाग चकराने लगेगा। मालाओं में जाएं, अगर हमारा जो विषय है ये वाला, मैं माला पे कुछ कहना चाह रहा हूं, फिर माला दर्जनों टाइप की माला, एक दो नहीं दर्जनों टाइप की, और मालाओं में भी फिर देखिए, हम तो सरलीकरण पे जाते हैं ना, आप देखिए जो लिखा हुआ है कि जो फल है, अगर कर माला जपता है व्यक्ति उंगलियों से काउंट करता है तो उसका 10 गुना फल मिलता है, अगर शंख की माला अगर लेता है तो 100 गुना फल है उसका, आंवले की माला लेगा तो 1000 गुना फल है उसका, स्फटिक की माला लेता है तो 10 सहस्त्र फल है उसका, मोती की माला लेता है तो 1,00,000 गुना फल है उसका, चांदी की माला लेता है तो 10,00,000 गुना फल है उसका, सोने की माला लेता है तो 1,00,00,000 गुना फल है उसका ज्यादा। तो कौन सी माला चुनेंगे भैया? फिर वही एक चीज, मैं अगर कहूं, मेरी अगर माने तो श्रद्धा से मन का श्रद्धा से मन का हो, उसका जप करे तो बस उससे अनगिनत नहीं, अतुलित, इनफाइनाइट गुना फल प्राप्त हो, सबसे बढ़िया, सबसे सरल। मगर क्योंकि हमारा तो काम है ना कि पहले तलाशे कि मिठाई की दुकान है, उसमें ये भी मिठाई है, उसमें ये मिठाई भी है, उसमें अच्छी मिठाई भी है, उसमें बुरी मिठाई भी है, तो कौन सी मिठाई छाटी जाए। अब मालाओं के लिए अक्सर मुझसे प्रश्न पूछते हैं, तो उसी के विषय में दे रहा हूं मैं, क्योंकि लोगों का भ्रम है कि किस माला से कौन सा जाप करे, किस माला से किस देवी देवता की पूजा करे, कौन सा मंत्र जपे। तो देखिए, विधान बहुत लंबा चौड़ा है, मैं 2 मिनट 4 मिनट में संभव नहीं होती चीजें। मैंने एक किताब लिखी थी मंत्र जप के रहस्य, छोटी सी किताब है 250 पेज की, 300 पेज की, तो उसमें अगर जाएंगे तो आपको कुछ एक क्लू मिलने लगेगा। और फिर जितना विषय में आप आगे बढ़ेंगे तो फिर अपना पेनिट्रेट करते चले जाएंगे, जितना गोता लगाएंगे आप, जितने डीप समुद्र में जाएंगे उतने आपको हीरे रत्न प्राप्त होते चले जाएंगे। मूंगे की माला का जिक्र आता है कि मूंगे की माला से क्या फल मिलता है। देखिए, लक्ष्मी जी की साधनाएं कर रहे हैं, अगर आप भैरवी सिद्धि कर रहे हैं, वशीकरण के काम कर रहे हैं, हनुमत साधना कर रहे हैं, तो मूंगे की माला जाप करें। मूंगे की माला ने मालाओं में भी मन के होते हैं, उसमें 27 मन के भी हैं, उसमें 7-9 मन के भी हैं, उसमें 108 मन के भी हैं, फिर उसमें सुमेरु है, फिर उसका विधान है, उसका जप का तरीका है, कैसे जपी जाए।
जनरली उंगलियों से, अनामिका से, मध्यमा से और अंगूठे से जब किया जाता है, लोग तर्जनी भी लगाते हैं उसमें। तो ये सब चीज़ें, इसका पूरा विधान, इसका पूरा तरीका, इसके पूरे नियम, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी आपको। कुश ग्रंथि यानी कि जो कुश होती है उसमें छोटी सी एक, अगर आप कुछ जड़ सहित उखाड़ेंगे तो उसमें छोटी छोटी सी गांठ होती है, बल्ब होते हैं उसके अंदर। उन बल्ब को ले लीजिए, 108 तोड़ के उसके गूंद के उसमें धागे में माला बना लीजिए। ये पाप नाशक माला होती है, प्राश्चित के लिए, आध्यात्मिक शांति के लिए और गणपति साधना के लिए, गणपति की उपासना करने के लिए, गणपति जी को अर्पित करने के लिए ये बहुत शुभ होती है। पुत्र जीवा की माला, जिसको संतान सुख की कामना है और संतान सुख से रिलेटेड कोई मंत्र जाप कर रहा है तो फिर वो पुत्र जीवा की माला यूज करें। रुद्राक्ष की माला, शिव संबंधित कोई भी काम, शिव संबंधित कोई भी स्तोत्र, स्तुति, पाठ, मंत्र, बीज जपते हैं तो शिव के लिए, रुद्र के लिए, आरोग्य के लिए, उच्चाटन के लिए रुद्राक्ष की माला प्रयोग होती है। चांदी के छोटे छोटे मन के गोली सरीके बना के उनमें छेद करके, उनमें धागा पिरो के, उनमें चांदी का तार पिरो के भी माला बनती है। ये माला अगर कर रहे हैं तो रोग नाश के लिए इसको प्रयोग करते हैं, कार्य सिद्धि के लिए इसको प्रयोग करते हैं और पौष्टिक और शांति कर्म जो भी है उनके लिए चांदी के मनकों की माला प्रयोग की जाती है। स्फटिक की माला सफेद होती है, सुंदर होती है, धारण करते हैं इसको। एकाग्रता के लिए बहुत अच्छी है, भैरवी साधना के लिए बहुत अच्छी है, उच्चाटन के लिए बहुत अच्छी है, यक्षिणी साधना कर रहे हैं, शांति कर्म कर रहे हैं, शीतलता प्रदायक है ये वाली माला। अगर गले में धारण करते हैं आप, अगर शुद्ध आपको स्फटिक मिल जाता है तो बीपी कंट्रोल करता है, मन में शांति रहती है, इसकी ठंडी तासीर होती है। शंख की माला, छोटे छोटे शंख आते हैं, इनमें पिरो के माला बनाई जाती है छेद, भैरवी मंत्रों में, भैरव साधना में, भैरव तंत्र में। रक्त चंदन, लाल चंदन की माला अगर प्रयोग करते हैं तो दुर्गा के निमित्त कुछ भी कर रहे हैं, दुर्गा सप्तशती का कोई भी मंत्र जाप कर रहे हैं और ये विघ्नेश मंत्र अगर कोई ले रहे हैं आप, तो आपको रक्त चंदन यानी कि लाल चंदन की माला बहुत शुभ सिद्ध होगी। कमलगट्टे की माला, जो कमल का पुष्प होता है, इसके जो बीज निकलते हैं उसकी माला बनती है, इसका बहुत विधान है। मैं इसको महत्वता देता हूँ क्योंकि लक्ष्मी की साधनाएं करना, लक्ष्मी जी की कृपा पाना, लक्ष्मी जी की अहितु की कृपा पाना, लक्ष्मी जी का वास घर में करना, लक्ष्मी जी का स्थाई वास घर में बनाना और लक्ष्मी संबंधी कोई भी मंत्र जाप कर रहे हैं, कोई भी अनुष्ठान कर रहे हैं अगर आप, तो उसके लिए कमलगट्टे की माला बहुत शुभ सिद्ध होती है। हरिद्रा की माला, हरिद्रा मीन्स हल्दी, टर्मेरिक, इसकी माला गणपति साधनाओं के लिए, अगर गणपति की साधनाएं कर रहे हैं। और अगर पुत्र जीवा की माला नहीं मिल रही है आपको तो विकल्प के रूप में आप हरिद्रा की, हल्दी की माला भी यूज कर सकते हैं। हड्डी, सांप की हड्डियों की, हर बहुत सारे जानवरों की हड्डियों की माला से तांत्रिक प्रयोग करे जाते हैं। सांप की हड्डी से जो माला बनती है उसे मारण प्रयोग करे जाते हैं, जो किसी को कष्ट देने के लिए, विद्यूषण के लिए हड्डियों की माला से प्रयोग करे जाते हैं। मोती की माला, शांति कर्म जो कर रहे हैं अगर कोई आप, सरस्वती का मंत्र जाप कर रहे हैं, बच्चे छोटे अगर उनका मन एकाग्र नहीं हो रहा, चंचल है वो, स्टबर्न है वो, तो माला मोती के लेके उससे मंत्र जपने का उनको अभ्यास कराइए और वही माला उनके गले में धारण करवाइए। स्वर्ण की माला, लक्ष्मी साधनाओं के लिए, भैरवी की सिद्धि के लिए, अगर भैरवी की सिद्धि कर रहे हैं। कहरवा की माला, अगर आप देखें जो पीर फकीर, सूफी संत, कलंदर, ये लोग कहरवा का, ये लोग जो एम्बर बोलते हैं इसको, कहरवा यूज करते हैं माला, बहुत ही सुंदर होती है, बहुत मोटे मोटे मनके होते हैं इसके। और इसका जो इसका जो मूल उद्देश्य है, इससे जो प्राप्ति होती है वो रूहानियत के लिए, अध्यात्म के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, अगर आप कहरवे की माला से जाप करते हैं आपका ध्यान जल्दी रमेगा, आपका मन सांसारिक सुखों से हटके विरक्ति की तरफ बढ़ने लगेगा, अध्यात्मवाद की तरफ बढ़ने लगेगा। अकीक आते हैं, जितने भी आपके कलर्स हैं
आपके जो नव रंग हैं या सात रंग हैं आपके और के, वो हर रंग के अनुरूप माला है। नवग्रह अगर शांति कर रहे हैं तो नवग्रह शांति के लिए अकीक की माला, अगर आदमी मणियों की माला नहीं ले सकता, वैसे तो मणियों की माला होती है, उसमें माणिक है, उसमें मोती है, उसमें पुखराज है, उसमें पन्ना है, उसमें हीरा है, तो उनकी मालाओं का तो संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, कॉस्टली अफेयर है। तो फिर उसके विकल्प स्वरूप एगेट्स की माला, अकीक की माला आती हैं विभिन्न रंगों में। उन रंगों को आप ग्रहों के अनुसार, नवग्रह शांति है तो भी आप उसमें चुन सकते हैं। नवरत्न की माला आती है, नवरत्न की माला भी नवग्रह अगर शांति के लिए पाठ कर रहे हैं तो आती है। तो दोस्तों ये एक लंबा विधान, लंबी प्रक्रिया, मैं तो आपको एक सूक्ष्म सा इसका परिचय दिया, और इसमें मैं वही कह रहा हूँ कि आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर बहुत साहित्य मैं आपको धीरे धीरे बुक्स के जो ओल्ड टाइज हैं, जो ओरिजिनल हमारे ग्रंथ हैं, उनका भी मैं रेफरेंस दूंगा, फिर उनमें जाएं आप, उनको पढ़ें। और सबसे बढ़िया भैया श्रद्धा से मन का, यानी कि मन की माला, सांस निश्वास में जब चलता रहे निरंतर, इससे बढ़िया कोई माला नहीं। कई गुना, कई सहस गुना, अनगिनत फल प्राप्त होता है इससे। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपालाजी। और दोस्तों अच्छा लगता है आपको मेरे क्लिप्स तो प्लीज़ यूट्यूब में सब्सक्राइब करें दोस्तों।